हमारे बच्चों की स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व की मल्टीपल वर्कशीट, जो इनिशियल स्टेज पे ग्रिपिंग बनाने के लिए हमें बच्चों को ये वर्कशीट देनी बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को एक तो सारी लाइंस पता चल जाती हैं, जिससे उन्हें अल्फाबेट्स बनाने में बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको समझाती हूँ वो कैसे उनको फ़ायदा होता है। देखिए, पहले हम शीट देख लेते हैं, हमारी शीट किस तरह की है। हमने एक इनोवेटिव सी एक आइसक्रीम बनाई है, बच्चों को यूजुअली आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो हम उनके थ्रू उनसे स्लिपिंग लाइन कराएंगे। तो वो यहाँ पर स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तरह से आप उनसे स्लिपिंग लाइन बनवाइए। मैं आपको एक बार पेंसिल की ग्रिपिंग और समझा देती हूँ। बच्चों की पेंसिल की ग्रिप इस तरीके से उन्हें देनी है, और अगर उनकी ग्रिपिंग कमज़ोर है तो वो धीरे धीरे जब वो ये सब लाइन बनाएंगे, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व लाइन, तो उनकी ग्रिपिंग भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे वो आप उनको डॉट्स बनाकर दीजिए, वो बड़ी छोटी जैसी भी लाइन बनाएं उनको बनाने दीजिए। पहले वो तिरछी तिरछी भी बनाएंगे तो इट्स ओके। देन हम उनको बताएंगे स्मॉल और बिग, इससे क्या उनको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और वो लाइन को भी ठीक से बना पाएंगे। बड़ी बड़ी लाइन बच्चे जल्दी बना लेते हैं, तो उनको हम पहले पेंसिल से बड़ी बड़ी लाइन बनाने के लिए देंगे। तिरछी बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल से बिग को मैच करना है, उन्हें किसी भी इनोवेटिव तरीके से हमें समझाना है, बस हमें इस शेप को इससे मैच करना है। इस तरीके से हम उन्हें वर्कशीट देंगे, ये स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट विद दी स्मॉल एंड बिग कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट है क्लाउड्स। बच्चों क्लाउड्स और रेन रेन बहुत पसंद होती है, तो आप उन्हें ये दिखाइए क्लाउड्स है, रेन रेन हो रही है, तो हम उन्हें स्लांटिंग लाइन बनानी है। इस तरीके से वो स्लांटिंग लाइन बनाएंगे। पेंसिल से भी मैं समझा देती हूँ आपको, ग्रिपिंग ऐसे पकड़नी है और उनको स्लांटिंग लाइन बनानी है। इन स्लांटिंग लाइन से हमें ये फायदा होगा, जिस तरह से ए होता है, स्लांटिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन, तो हमें जब बोलेंगे ना तो वो खुद ही बनाएंगे स्लांटिंग लाइन, वन मोर स्लांटिंग लाइन एंड दिस इज स्लिपिंग लाइन। तो इन लाइंस का बेनिफिट यहाँ हमें बच्चों को मिलता है। छोटी छोटी डॉट बनाइए, जब उनकी ये तिरछी तिरछी लाइंस बना सही हो जाए तो उनको एक छोटी छोटी ये छोटी छोटी स्लिपिंग लाइन बनाने के लिए दीजिए। इससे उनकी क्लियरिटी आ जाएगी, उनके हैंड में फिनिशिंग आ जाएगी। छोटी छोटी दो डॉट्स बनाइए और उन्हें स्लिपिंग लाइन करने के लिए दीजिए। उसके बाद आती है कर्व। जब बच्चे स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख जाए तो बच्चे कर्व बहुत आसानी से बना लेते हैं। फिर उन्हें आप दोनों तरह के कर्व बनाने के लिए दीजिए, डाउन कर्व यह है स्लांटिंग लाइन। फिर आप उन्हें स्लांटिंग लाइन की क्लियरिटी लाने के लिए उन्हें हमें स्लांटिंग लाइन की ऐसे क्लियर डॉट्स देनी है, जिससे उन्हें स्लांटिंग लाइन अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपको समझाया कर्व और स्लांटिंग लाइन से अल्फाबेट से बहुत फायदा होता है। जिस तरह की कर्व है, तब हम सी बनाएंगे ना कर्व, इस तरह सी बनाने में, जी बनाने में उन्हें बहुत फायदा होता है, आर स्लांटिंग लाइन, कर्व एंड स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। अल्फाबेट्स बनाने में मेरे बेटे को बहुत फायदा हुआ था जब मैंने उसे लाइन सिखा दी थी, तो इसलिए आप भी अपने बच्चों के साथ ये जरूर कीजिए। इस तरीके छोटे से हाउस बनाइए, हाउस उन्हें बनाने में बड़ा मजा आएगा। हाउस बनाइए, इसमें स्टैंडिंग लाइन, उन्हें ना ये लाइंस उनकी अच्छी हो जाएंगी और वो अपने हाथ से एक हाउस भी बना पाएंगे सुंदर सा। तो कोई भी क्रिएटिव पिक्चर जो बच्चों को पसंद है, उसी पिक्चर से आप उनको करना सिखाइए। शेप्स के थ्रू आप उन्हें समझा सकते हैं, जिससे उन्हें शेप्स भी याद हो जाए और आप वो लाइंस पे उनके ग्रिपिंग भी अच्छी हो जाए। ट्राइंगल शेप दीजिए, सर्कल शेप बना के दीजिए, सर्कल, ट्राइंगल शेप दीजिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। और ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चे कौन सी जगह से लेकर जा रहे हैं। स्लांटिंग लाइन ऐसे ही उन्हें बनानी है, ऐसे नहीं अपोजिट साइड बनानी है। स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, बच्चों को जिस तरीके से हम इनिशियल स्टेज पे सिखा देते हैं ना, फिर बच्चे उसी तरीके से हमेशा बनाते हैं। अब बच्चे ए बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, अदरवाइज फिर वो ऐसे बनाएंगे, तो वो देखने में और उसकी राइटिंग पे उसका अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। फिर हम बनाएंगे इस तरह से, हमने ट्रेन बना दी है या कोई एनिमल बना दीजिए कि उसको उसके हाउस में हमें पहुँचा कर आना है, तो बच्चे इसको बनाएंगे पूरी तरह स्लिपिंग, स्लांटिंग, इस तरीके से वो पूरा उसका रास्ता बनाएंगे। मेरे बेटे को इस तरह की एक्टिविटीज़ में बड़ा मज़ा आता है, वो आज भी ये सब एक्टिविटीज़ करता है। आई एम श्योर सभी बच्चों को आता होगा, तो आप भी बच्चों को कराइए। ये सारे पैटर्न्स हैं, ज़िगज़ैग भी आ जाता है इसमें। ये होगी पूरी आपकी स्लिपिंग लाइंस का, ये हो गया हमारा ज़िगज़ैग का, ये हमारा कर्व, स्लांटिंग एंड स्टैंडिंग लाइंस एंड स्लिपिंग लाइंस। तो
तो आप इस तरह के सारी वर्कशीट्स अपने बच्चों के लिए तैयार कीजिए, उन्हें समझाइए। जब वो उन्हें वर्कशीट्स आ जाएंगी, ये सारी स्लिपिंग लाइन स्लांटिंग लाइन कर्व आ जाएगा अल्फ़ाबेट्स में, आई एम श्योर बच्चे बहुत जल्दी ग्रिप कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रिप कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बच्चों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।